प्रभुपाद जी के जीवन से, प्रभुपाद जी के प्रचार से रिलेटेड एक बुक है, उसका नाम है सरस्वती जयश्री। उसमें घटना लिखी है कि प्रभुपाद पश्चिम बंगाल में प्रचार में हैं, बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम होगा जिसमें विभिन्न संप्रदायों के आचार्य लोग आए हुए हैं, हजारों की संख्या में वहां पर श्रोता हैं और विशाल भंडारे का वहां पर इंतजाम किया हुआ है। तो जहां पर भंडारा बन रहा है वहां पर लकड़ी के चूल्हे, जमीन में खोदकर लकड़ी के चूल्हे बनाए हुए हैं, भट्टियां बनाई हुई है, बड़े बड़े पतीले रखे हुए हैं। तो एक बच्चा खेलते खेलते एक भट्टी में गिर गया। कल्पना करें, एक बहुत बड़ी भट्टी हो, उसमें बहुत बड़ा पतीला रखा हो, आग धधक रही हो और एक बच्चा आपके सामने गिर जाए, आप क्या करेंगे? आप उस भट्टी में घुस के बच्चे को तो नहीं निकाल सकते, चिल्ला सकते हैं आप, बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया, बच्चा जल गया, बच्चा, यही चिल्ला सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, जो रसोई कर रहे थे उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकते, बच्चा भट्टी में गिर गया। प्रभुपाद स्टेज पर जा रहे थे, प्रभुपाद ने सुना इधर हल्ला हो रहा, क्या हुआ? तो पता लगा बच्चा भट्टी में गिर गया। जब तक प्रभुपाद आए दुनिया में दृष्टि से तो उसने राख हो जाना था। प्रभुपाद ने कहा हल्ला नहीं करो, महामंत्र करो। और प्रभुपाद जी ने आंखें बंद करी, अपने प्रभु को स्मरण किया और प्रभु के स्मरण के साथ साथ ही वो बच्चा जैसे खेलते हुए ऐसे चलते हुए खेलते हुए उस भट्टी से बाहर आ गया। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। उस बच्चे के शरीर में जलन की तो बात छोड़ दीजिए, उस बच्चे के कपड़े भी नहीं जले, पूरा बच्चा जैसा भट्टी में गिरा था वैसे ही बाहर आ गया। ऐसे प्रभावशाली आचार्य हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। यह तो दुनियावी बात है, एक नहीं हजारों एग्जांपल्स हैं जहां पर उन्होंने अपने शरणागत भक्तों को भगवान का दर्शन कराया, भगवान की साक्षात सेवा प्रदान कराई।